सेवेंथ क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी में अध्याय 5 खूब लड़ी मर्दानी पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ तो शुरू करें। सिंहासन हिलोटे राजवंशों ने भ्रष्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। खोई हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन मटानी थी। के मन में फिर से आज़ादी पाने की चाह उठी और उनकी भौंहें तन गईं, उनका क्रोध जाग उठा और ऐसा लगने लगा कि बूढ़े शांत पड़े हुए भारत में फिर से जवानी आ गई है। जो उन्होंने आज़ादी खो दी थी उसकी कीमत उनको अच्छे से पहचान में आ गई थी, इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि अब हमें विदेशी को अपने देश से दूर भगाना है। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह सन 57 की बात है, उनकी तलवारों में फिर से चमक आ गई और ये कहानी हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह जबानी सुनी है कि झांसी की रानी मर्दानी बनके किस तरह से लड़ी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी ये लक्ष्मीबाई मुँह बोली बहन थी और लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम पिता जी वह अपने पिता की अकेली संतान थी और ये इनका बचपन जो था नाना के संग ही बीता था, वो नाना के संग पढ़ी थी, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनका इनसे बचपन से ही साथ रहा था, उसकी यही सहेलियाँ थी, ये हथियार जो थे उसकी बचपन से सहेलियाँ बने हुए थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छत्रपति शिवाजी वीर शिवाजी थी, वह उनकी कथाएं सुनती थी और उनके मन में हमेशा से ये उनकी कथाएं सुन करके उनके मन में अंदर से ही वीरता जागी हुई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह लक्ष्मी का रूप थी या दुर्गा का रूप थी या स्वयं वीरता का अवतार थी, यह देख करके मराठे उनके जो तलवार चलाने का तरीका था उनको उनके बार को देख करके मराठे खुश होते थे। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना और ये सब उनके क्या थे, खूब शिकार करना, यही उनके प्रिय खेल थे। सैन्य सेना को घेरना, किलों को तोड़ना, ये सबसे उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल की जो देवी आराध्य भवानी थी वह उनकी कुल देवी थी, ऐसा बुंदेलखंड के लोग कहते हैं, उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुवट बुंदेलों की वृद्धावली सी बढ़ आई झांसी में। ऐसा प्रतीत होता था कि वीरता यानी वीर कन्या का विवाह वैभव के साथ हुआ है, सगाई हो गई और वह ब्याह होकर के रानी लक्ष्मीबाई बनकर के झांसी में आ गई। राजमहल में खुशियाँ मनी, बधाई गाई गई झांसी में और वह एक वीर कन्या वृद्धावली सी झांसी की ओर बढ़ाई।